दिल्ली में आपको अंकित मर्डर केस याद होगा। इसी साल फरवरी में अंकित की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने पड़ोस में रहने वाली मुस्लिम लड़की से मोहब्बत की थी। अंकित जैसी घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दोहराई गई है। फरीदाबाद में 23 साल के संजय की हत्या कर दी गई है। संजय ने पड़ोस में रहने वाली मुस्लिम लड़की रुखसार से 1 साल पहले शादी की थी। संजय के परिवार का आरोप है कि रुखसार के परिवार ने संजय की हत्या की है क्योंकि उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया था। संजय के परिवार का आरोप है कि रुखसार का परिवार उनके बेटे पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता था। 21 अगस्त को संजय का शव घर के पास ही जंगल से मिला है। पुलिस ने रुखसार के पिता, भाई और उसके एक दोस्त को संजय की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। धर्म परिवर्तन कराना चाहता था रुखसार का परिवार, नहीं करने पर मार दिया गया, इस तरह का आरोप। वैसे संजय और रुखसार ने 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी। दोनों ने फरीदाबाद से जाकर राजस्थान में कोर्ट मैरिज की थी। संजय के परिवार का आरोप है कि रुखसार का परिवार संजय पर धर्म बदलने का दबाव बनाता था। दोनों कुछ महीने पहले राजस्थान से लौटकर फरीदाबाद आए थे और रुखसार के घर के पास ही रह रहे थे, लेकिन 1 महीना पहले रुखसार अपने माता पिता के घर चली गई थी और संजय के साथ उसका तलाक का केस चल रहा था। 16 अगस्त को रुखसार का भाई सलीम संजय को अपने साथ ले गया, लेकिन 21 अगस्त को संजय का शव घर के पास ही जंगल में मिला। ये ध्यान देने वाली बात है कि 16 अगस्त को रुखसार का भाई संजय को अपने साथ लेकर गया और 5 दिन बाद यानी कि 21 अगस्त को संजय का शव घर के पास ही जंगल में मिला। संजय के परिवार का आरोप है कि रुखसार के परिवार ने ही संजय की हत्या करवाई। रुखसार के पिता ने संजय की हत्या की साजिश रची, ऐसा आरोप संजय के परिवार की तरफ से। संजू की मां मंजू का कहना है कि रुखसार का परिवार उनके बेटे पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। ये ना उसके माँ बाप खुश नहीं है, उसके माँ बाप ना फिट है इससे। ये कहते हैं जमात में चलो जाओ तो अब आना जाना हो जाएगा, लड़की बढ़िया रहेगी, ठीक रहेगी। बेटा ने कही मैं नहीं बनूंगा मुसलमान, मैं तो अपना हिंदू तो हिंदी बन करूंगा, मैं नहीं जाऊँ जमात में। मतलब उसे वो मुसलमान बनाना चाहता है। हाँ जी मुसलमान बनाना चाहता उसका लड़का, मना करता। लड़की भी नहीं कहती मुसलमान में और हिंदू में क्या फर्क है, खून तो एक ही है, हम तो है कंजो ही रहेंगे, जो जाके संग आए जो जैसी जात में रहूंगी मैं। वैसे संजय की मां का ये भी आरोप है कि 1 महीने पहले रुखसार अपने घर चली गई थी। मां के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे से तलाक भी ले लिया था। आने के बाद इनमें 1-2 महीना बढ़िया रहा, 1 महीना तो ये 1 महीना के बाद इनमें इसकी मम्मी ने फ्रीज ईद आई है ना, इसको कपड़ा भेजे, इसको सिले भी भेजे, बिना सिला भी भेजा। वो सूट सिलवाया रुखसार ने, संजय ने सिलाई के पैसा दिए तो वो सूट पहनते ही यानी बिना बात है कलेश मचा दिया। जाऊंगी मैं तो जाऊंगी, तलाक लूंगी, चूरी छल्ला टोड़ने फोड़ने लग गई, भागने लग गई। मैंने कही बेटा जो बात हो जो तसल्ली तो कर ले, ऐसे भगा भगी तो का हो, तो जाना तो प्यार प्यार से जा बेटा, तू अपने राज आई अपने राज जा रही है। तो मैंने कही ऐसी बात नहीं है। तो उसके हाथ पे ये नाम गुजरे संजय का, रुखसार का, रुखसार के हाथ पे दोनों के नाम गुजरे। वो नाम बामेजन क्या लगाया क्या नहीं लगाया वो जला लिया इसने। मैंने बोले जो कि बेटा इसको मत जला, कच्ची जगह हाथों में घाव हो जाएगा। मैंने जब बोले मेरे से मैं कुछ भी करूं मेरे से कोई मत बोलना, ठीक है बेटा, मैं तो चुप भर गई। फिर दोनों ने तलाक ले लिया, और आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं इनकी तरफ से कि रुखसार का भाई संजय को अपने साथ ले गया था और उसी ने यानी कि रुखसार के भाई ने संजय की हत्या की। से बात करें प्यार प्यार में तो ले गया उसको, आ जा घूमने चल ले। मगर बेटा कहाँ ले जा रहा, मेरे को तो पता कि ये ना फिटे तो हमारा आने जाने को काम ही नहीं है। तो प्यार में लेके उसको ले गया तो उसको ना क्या गायब कर दिया, कहाँ गायब नहीं करा। अब मैं 16 तारीख को देखती डोली सब जगह, फिर 17 तारीख को उसके घर पे गई मैं। फजर भाई साहब मैं लड़का बता दे उनके, मैं लड़का उनके सबने ढूंढा डोल रही उनके, मेरे को कहीं नहीं मिला, ना फोन मिला, सुच्चो बुझारा। बोला मन के सलीम कहाँ, सलीम तू तो घूम के आ गया तेरी माँ के पास, संजय कहाँ कर आयो।
आंटी जी मैं तो नहीं लेगा, मेरे साथ नहीं गा, मैं तेरे साथ गा, मैं घर पे नहीं होती ना, तुझे मान जाती कि खाना खाना ही, तू बुला के लाया और तेरे साथ गया, जब भी झूठ बोला मैंने तेरे पास ऐसे ली, झूठ मत बोला, ठीक है मैं ऐसे चुप करके आ गई। फिर मैं गई तिल्लम मर्च होके 8 बजे रात को गई, तो उन्होंने बोले यहाँ रिपोर्ट नहीं हुई। बड़कल गई मैं, बड़कल बारे ने दो आदमी आए, सेना कॉलोनी गई, फिर वहाँ पे दो पुलिस वाले आए, क्या भी खाली पूछताछ करते, ठीक है आए। मैं पैदल पैदल आई वहाँ से, वे गाड़ी पे आए तो फजरू पूछा, फिर भी नहीं है कही, अब 3 दिन तो भैया घूम घाम के आ जाओ, कितना गुंजे डोल लोगो, शराब पी खाए के पर हो, मैं पी खाए के कैसे पर हो, छोरा तो ना दारू पीवे ना गुटका बीड़ी कुछ भी नहीं खावे। कैसे मतलब पता चला, कितने दिन बाद पता चला? फिर मेरे को पता लगा, उन्होंने बताया कि सुबह ये सलीम बिन ने बैठ ली, बैठा लिया उसको समझा, तो वहाँ चौकी में ये कुरान बुरान की कसम खाए गए दोनों बाप बेटा, तो मैंने कही तू कसम खा जा, कच्छू खा जा, छोरा तेरे पेट में, मैंने कही। फिर भी इनकी खिंचाई करिए सलीम की, जब इसने बताया, जब वो लेके आए पुलिस वाले। पुलिस ने रुखसार के पिता भाई और उसके दोस्त को बताया जा रहा गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी की तलाश इस वक्त भी जारी है। फरीदाबाद से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट देखिए आप। अपनी बहन की शादी एक हिंदू लड़के से होने से तिलमिलाए सलीम 16 अगस्त को संजय के घर आया और उसे घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया, और जिसके बाद संजय अचानक लापता हो गया। घर वालों ने जब काफी खोजबीन की तो उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस में सूचना दी गई। पुलिस ने जब सख्ती से सलीम से पूछताछ की तो पता चला कि घर के पास के ही इन जंगलों में सलीम ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर संजय को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस इस जंगल से संजय की लाश को बरामद किया। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, सलीम है जो कि पड़ोस में ही रहता है, उससे जानते हैं क्योंकि मौकाए वारदात पर सलीम भी गया था, इसने देखा था। आपने देखा कि लाश कहाँ मिली थी, किस हालत में थी? गुरुद्वारे के पास मिली थी, सैनिक के जो गुरुद्वारा है संजोनी स्कूल के पास, वहाँ मिली थी, क्योंकि वहाँ पे कट्टे में बांध कर रख रखा था, क्योंकि बाहर बदबू मार रहे थे सब, इसलिए भागने लग गए, पुलिस वाले भगा रहे थे वहाँ से। लाश का टुकड़ों में थी? सर ये नहीं देखा था टुकड़ों में, क्योंकि वहाँ से जब आने के बाद देखे शमशान घाट में, जब देखा टुकड़ों में, वैसे नहीं देखी थी। कितने पूरे शरीर के 4-5 टुकड़े कर रखे थे? नहीं सर, एक गर्दन अलग थी और शरीर नीचे से अलग था बस। तो क्या बताया कि सलीम अपने साथ ले गया था, उसके दोस्तों ने मिलकर मर्डर किया था? सर यहाँ से तो सलीम अकेला ले गया था बस, ये तो यहाँ से अकेला देखा था, क्योंकि जब लोग बागों ने देखा है ना कि बता रहे कि 4 जने थे वो। अच्छा, 4 जने उठा के ले गए थे उसे, यहाँ से भी नहीं ले गए सीधा संजोनी स्कूल। किस बात को लेके दुश्मनी थी सलीम की संजय के साथ? अब तो भैया वही जाने उनके बीच में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, अब तो हमारी उनसे भी बैठक थी, हम थोड़ी जानते कि हमारे सलीम की बहन रुखसार की शादी संजय ने लव मैरिज हुई की थी, दोनों ने लव मैरिज करी थी। अच्छा, और ये इस बात को लेके दुख था कि हिंदू लड़का है और बार बार उसे धर्म परिवर्तन के लिए भी कहते थे, और बाद में तलाक की भी नौबत आ गई थी। सर इस चीज के बारे में तो हमें पता नहीं था, क्योंकि हम जब से शादी हुई है थोड़ा बहुत इनकी माँ का साथ दिया था बस, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं बोला इनसे क्या हमें तुम्हारा क्या है जैसे। तो जैसे कि इनका कहना है कि सलीम और उसके साथियों ने संजय की टुकड़ों में लाश की और उसे कट्टे में डालकर यहीं पे डिस्पोज ऑफ कर दिया था। पुलिस ने जब निशानदेही पे बरामद की संजय की लाश तो वो कई टुकड़ों में कटी हुई थी। 6 दिन बाद संजय की लाश मिली थी। अब पुलिस ने संजय की हत्या के आरोप में सलीम, उसके पिता और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक दोस्त अभी भी फरार बताया जा रहा है। लेकिन एक अच्छे प्यार का अंत इतना खौफनाक होगा, ये संजय ने कभी नहीं सोचा था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, फरीदाबाद। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब पुलिस का भी वर्जन सामने आया। पुलिस कह रही है कि सलीम ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। 4 लड़के थे मौके पर, मारने में 3 लड़के थे, लेकिन योजना बनाने में इनका बाप भी था, सलीम का बाप फजलुद्दीन जो है, उसी के कहने पर इन तीनों लड़कों ने जो है
इसको संजय को मौत के घाट उठा रहा है। एक लड़का भी फरार है जो इसके चाचा का लड़का है मोहम्मद अली, और सुमित उर्फ सोनी और सलीम जो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, जल्द जो है उसको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे जो भागा हुआ है। जिमीडा संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जुर्म कबूल कर लिया परिवार ने रुखसार के? जी बिल्कुल, सलीम ने और उसके पिता ने जुर्म कबूल कर लिया है कि किस तरीके से साजिशन उसे 16 तारीख को अपने साथ ले जाकर जंगलों में उसकी गला रेत कर पहले हत्या की गई और पहचान छुपाने के लिए जलाने की भी कोशिश की गई। जो परिवार वालों ने पुलिस को बताया है कि ये तब से ही पूरी तरीके से गुस्से में थे जब से संजय ने रुखसार से शादी की थी। दोनों अड़ोस पड़ोस में रहते थे और एक साल पहले दोनों भागकर राजस्थान में गए, कोर्ट मैरिज कर ली थी, और तब से ही इनको इस बात की नाराजगी सबसे ज़्यादा थी कि संजय चूंकि एक हिंदू लड़का था और साथ में दलित था, तो इस जनवरी में फ़ोन करके रुखसार और संजय को रुखसार के परिवार वालों ने बुलाया और पास में ही एक कमरा किराए पर दिलाया था और लगातार दबाव बना रहे थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाए तो उन्हें साजिश से कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन संजय इस बात पे अड़ा रहा कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा, मैं मुसलमान नहीं बनूँगा। इस बात को लेकर काफ़ी कहासुनी हुई, जबकि रुखसार को कोई भी आपत्ति नहीं थी कि संजय हिंदू है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी मनमुटाव इन लोगों के बीच में हुआ था और 2 महीने पहले ही जो रुखसार को घर वालों ने भड़काया था और वो संजय से तलाक लेने पर आमदा हो गई थी और उसके बाद बाकायदा तलाक की अर्जी भी डाल दी गई थी, जिसके बाद 2 महीने पहले ही वो वापस राजस्थान अपने चले गया था। और 15 परिवार की तरफ से बताया गया प्रमोद कि 2 महीने पहले लड़की घर चली गई थी और उस लड़के को भाई रुखसार का भाई अपने साथ लेकर गया था 16 तारीख को, और 5 दिन बाद 21 अगस्त को लड़के का शव मिला। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि केस को सॉल्व कर लिया गया है, एक और की तलाश अभी की जा रही है, लेकिन सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया रुखसार के परिवार वालों ने।